Welcome back, Wanya Vlogs. Assalamu alaikum, sasrikaal, adab, namaste, kim cho, lovely people. ये वही वाला ड्रेस मैंने आज वेयर किया है, लखनवी चिकन करी, जो आपने मुझे कहा था ईद पे वेयर करने के लिए, लेकिन मैंने ये आज ही वेयर कर लिया। क्यों कर लिया मैं आपको बताऊंगी। मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी जो सहरी होगी वो होके पूरे कंप्लीट 30 रोजे, मतलब ईद अभी आनी है, बस कल का ही रोजा बाकी है। तो जितनी भी ईद की प्रिपरेशंस है, जितने भी डेकोरेशंस है, मतलब जो भी लॉकडाउन में पॉसिबल हो सका है, जो भी मैंने रेडी किया है, मैं आज ही घर को पूरा ही डेकोरेट कर लूंगी ताकि ईद वाले दिन बहुत ज्यादा बर्डन ना हो और ईद का व्लॉग आपको लास्ट ईयर जैसे बहुत अच्छा सा देखने के लिए मिल जाए। हमारे घर पूरे रोजे हुए माशाल्लाह, कल का रोजा कम्प्लीट करके 30 रोजे कम्प्लीट किए है हर साल की तरह लकी ने। जो बकरा है बिल्कुल से रेडी है, अच्छा है कि रमजान ईद है, बकरी ईद होती तो तो मेरे पास इस घर में कंटेनर नहीं थे ड्राई फ्रूट मेवे स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था। लेकिन मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जो मुझे एक ही दिन में डिलीवरी रिसीव हुई है आज ही मॉर्निंग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या कैसे वो कंटेनर सेट है, बहुत ही रीजनेबल, ओनली 350 के। पहले देख लेते हैं कैसे। और लकी अभी निकल रहे हैं बाहर क्योंकि मेवे ड्राई फ्रूट ये खुद लेने जा रहे हैं, फ्रेश वाले अच्छे अच्छे। तो चलिए चलो नीचे चलते हैं। लकी जा रहे हैं। जब तक लकी आए चलिए हम अपने बाकी कामों से फारिग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है पार्सल जो कि मुझे रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से, और इसे आए हुए कुछ 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, यहीं पे रखा हुआ है। इसको हमने रिमूव कर लिया है, अब ये सारे ही वॉश हो चुके हैं। अब तो जितने भी कंटेनर सेट मैंने आज मंगवाए हैं आप देख सकते हैं वो इस तरीके से हैं। ये टोटल 21 का पीस है पूरा, जिसमें मुझे बिग साइज में ये 2 मिले हैं। मैं यहाँ पर जितनी भी इमेजेस है वो लगा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, छोटे बड़े टोटल 21 पीस है। सबसे बड़ा ये 1 किलो बोलते हैं ना, 1 लीटर 1 किलो, उतना बड़ा साइज है। तो ये मैंने मंगवाए हैं ड्राई फ्रूट के लिए, ईद में तो काम निकल जाएगा क्योंकि दिस ईयर मेहमान तो आने वाले हैं नहीं, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ईद के बाद भी हम फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में इन वाले कंटेनर का यूज काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वाले जो बॉक्सेस हैं मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, और सिर्फ 350 के शिपिंग चार्जेस के साथ ये मिले हैं मुझे 399 एग्जैक्टली। बहुत अच्छा। ये क्या बन रहा है? मटर दाल बन गई। दाल बन गई, गुप्ता जी ने सब बना लिया आज। आज गुप्ता जी का दिमाग खराब है। आज पता नहीं कि गुप्ता जी का दिमाग बहुत खराब है, मतलब मुझ पे नहीं वैसे ही खराब है। खा लेते हैं फिर।
तो किचन से हम फारिग हो चुके हैं, चलिए अब रुक करते हैं लिविंग की ओर। बस पिलो कवर चढ़ा के टी टेबल क्लीन करेंगे। टेबल डन, अब डाइनिंग टेबल। वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, एग्जैक्टली वही हो रहा है। मतलब मैंने जो मेहनत की है ना, वो रंग नहीं रंगे ला रही है मेरे लिविंग में। मैंने जो मेहनत की है ना, मतलब इतना जबरदस्त लुक आ रहा है, आई मीन मजा आ रहा है मुझे देख के। सो फाइनली सारा कुछ बिछा लिया हमने, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो निटेड कपड़ा था उसके ऊपर 3 सेंटीमीटर की जो फ्रिल आती है कॉटन वाली, वो हमने लगा दी ताकि हाथ की सिलाइयां कहीं भी कमजोर ना पड़े और एक अच्छी सी लुक आ जाए। बस मेरा अल्तमश बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, ईद है, ईद है तो एक फील आनी चाहिए बच्चों के अंदर, हमारे अंदर, कि हमारा फेस्टिवल है। दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आज। आज अलविदा माह रमजान है, मतलब बस आज का लास्ट रोजा है, 30 रोजा है आज का। अब बहुत ज्यादा मिस करेंगे रमजान को, जो सहरी की रौनक होती है, इफ्तारी की बरकत होती है, वो बहुत ज्यादा मिस होगी। एग्जैक्टली इफ्तारी के टाइम पर भूख लगा करेगी, मतलब अभी 10-15 दिन बहुत ज्यादा मिस सा लगेगा कि पता नहीं लाइफ से क्या चला गया। हर साल की तरह रमजान आते हैं चले जाते हैं, हर साल हम मार्केटों में जाते हैं, मार्केट में एक जो चहल पहल होती है, जो पकवान के स्टॉल लगते हैं, मुस्लिम मार्केटों में जो घूमने का मजा आता है ना रमजान में, वो वैसे कभी नहीं आता। मैं सच्ची बताऊंगी, मतलब पूरे साल में एक ही बार मैं नागपुर के मुस्लिम मार्केट में जाती हूँ मोमिनपुरा में, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कई बार स्पेशली ईद की शॉपिंग के लिए मुंबई मोहम्मद अली रोड पे जो मार्केट लगता है वहां पे भी गई हूँ। हालांकि बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो मजा आता है ना, वो एक खुशी अलग ही होती है। तो बस आज का लास्ट रोजा है, और बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा चांद दिख चुका होगा, तो प्लीज अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी दुआओं का हिस्सा मुझे भी बनाइए जैसे मैंने आपको बनाया हुआ है। और चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी मेरे ईद व्लॉग के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा ईद व्लॉग आपको जरूर से मिलेगा। सो अल्लाह हाफिज़। तेरे कितने रोजे हुए सलीम? और अभी आज का मिला के 30, मतलब भाई के और तेरे पूरे रोजे हुए? अरे मुबारक हो, ताली बजाओ, ताली बजाओ। यस, तो माशाल्लाह हमारे घर में पूरे रोजे हुए हैं और ये काफी अच्छी बात है।